हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 मार्कर्स के इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 2 है। इस वीडियो में मैंने 2009 से लेकर 19 तक सीबीएसई ने जितने भी इस बुक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ, सारे चैप्टर्स के मैंने इस बुक में कंपाइल कर रखे हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड आपको कोई भी डाउट आए तो आप नीचे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आप प्रीवियस बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि भले ही एग्जाम हो या ना हो, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक वेट कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बट आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का है, बट इस वीडियो में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उस वीडियो में इसे इंक्लूड कर नहीं पाया था और क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसमें आपको सिंपली पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ जो लास्ट 2 पॉइंट देख सकते हैं उनमें आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन द वर्ल्ड एंड एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो 3 कंपोनेंट्स हैं आपके क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, माइग्रेशन। इनको आप डिफाइन कर दीजिएगा और इंपैक्ट्स आप 2 लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का ब्रेकअप है आपका 3+2 का। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो आपको इसमें इंडिया की पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझाना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इकोनॉमिक स्टेटस में के बेसिस पर हमारी पॉपुलेशन है मेन वर्कर्स, वो लोग जो 6 महीने या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं। मार्जिनल वर्कर्स जो 6 या उससे कम महीने तक काम मिलता है, जिनको है थर्ड, जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। और उसके बाद सेंसस रूल 2011 की इन्फॉर्मेशन है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में 54.6% लोग एंगेज हैं, सेकेंडरी में 3.8, 41.6 आपके टर्शियरी एक्टिविटीज हैं। उसके साथ साथ सेम आपका एंगेज रेट है आपका एग्रीकल्चरल लेबर्स का, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एंड अदर वर्कर्स का। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि 3 मार्क में पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि जो लेस डेवलप्ड स्टेट है वहां वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि वहां सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जाती हैं, लाइक आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो एक बात खुद समझिएगा आप कि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग चाहिए पड़ेंगे कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में। ये जरूरी है कि एग्रीकल्चर में ही ज्यादा लोग चाहिए पड़ेंगे क्योंकि सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है आपकी। जो इंडस्ट्रीज होती है वहां तो मशीन लगी होती है, ऑटोमेशन का काम होता है, तो वहां लोग ज्यादा नहीं चाहिए होते। इसीलिए जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म माइग्रेशन एंड एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे माइग्रेशन को कि माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर आप फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन में पुश पुल फैक्टर्स दोनों लिखिएगा और फिर 4 इनमें से कोई भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और उसके अलावा कोई भी आपके पास फैक्टर है आप वो भी लिख सकते हैं और उसको 30-40 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये 2.5+2.5 के ब्रेकअप में आता है, मतलब जो आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो 2.5 नंबर में समझाने होते हैं एंड जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको 2.5 मार्क्स में समझाने होते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में कोई से भी 3 लिख दीजिएगा, मैंने 4 लिखे हैं, आपकी मर्जी, आप कोई से भी 3 लिख दीजिएगा। और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज की मैं बात करूँ तो अगेन एनी 3 यू कैन राइट, बट कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि 5 मार्क का है तो थोड़ा आप वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड इन द सेंस कि आप थोड़ा आंसर बड़ा लिखें, पॉइंट वाइज ही लिखें और उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियोज में सिर्फ आपको वैल्यू पॉइंट्स बताता हूँ कि ये तो होने ही चाहिए आपके आंसर में, फिर आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स टू मेजर फैक्टर व्हिच हैव कॉज्ड स्पेशल वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रही है, फिर आपको 2 ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनके कारण इतना वेरिएशन है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी HDI वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी HDI वैल्यू बहुत खराब है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप दे देंगे, उसके बाद 2 मेजर फैक्टर हैं आपके लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो पॉलिटिकल। सोशियो पॉलिटिकल में ही आपका लिटरेसी भी कवर हो जाएगा। थर्ड आप चाहें तो हिस्टोरिकल रीजंस लिख सकते हैं कि लाइक ऐसे रीजंस जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड थे वहां का HDI लेवल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिकेड्स ऑफ 1921 टू 51 आर रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हाइल्स डिकेड्स ऑफ 1951 टू 81 आर रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो इसमें सबसे पहले आपको सिंपली आपको 1921-51 वाला पीरियड यानी फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और जो आपका सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी पीरियड फ्रॉम 1951 टू 81, उन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देके। तो ये इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक 1921 फिर से 51 का पीरियड इज नोन एज स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड, फिर आप इसके रीजंस लिख सकते हो। और फिर आता है आपका 1951 टू 81 का पीरियड, इसके आप लिखेंगे एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, फिर इसके रीजंस आप मेंशन कर दीजिएगा कोई से भी 4, मैंने 4 लिखे तो आप भी 4 लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म माइग्रेशन, एक्सप्लेन एनी टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड टू डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। तो माइग्रेशन की सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दोगे यहाँ पर, फिर आप इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज लिखोगे, दो मैंने लिखे हैं। और ध्यान रखिएगा जो बेनिफिट्स द रीजन ही रेमिटेंसेज वाला है, इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर लीजिएगा, या फिर इससे अच्छा कोई और पॉइंट है आपके पास इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है सेकेंड पार्ट, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज में कोई दो लिख लीजिएगा, काफी है। क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक स्टेटमेंट दी है चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट से, कि डेवलपमेंट और जनरली डेवलपमेंट और पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने उसी पैराग्राफ से ली जहाँ पर ये लाइन मेंशन थी, एनालाइज द स्टेटमेंट वाली बुक में आपकी। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्लाइड 2 में भी ये 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मोर देन सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन इंडिया, एक्सप्लेन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो सेंसस है पॉपुलेशन का सोर्स, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो आप ये 6 पॉइंट्स देख सकते हैं, इनमें से आप कोई भी 5 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन विच इज डिफरेंट इन इंडिया, गिव द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन मैं सिंपली आपको बताना है कि मेल और फीमेल माइग्रेशन के जो कॉजेज हैं, कि किस कारण मेल माइग्रेट करते हैं और किस कारण फीमेल माइग्रेट करते हैं, उनको आपको सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले माइग्रेशन को आप बता दोगे कि माइग्रेशन क्या होता है, फिर मेल माइग्रेशन के दो फैक्टर्स, द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन इज वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर आप स्टैट भी दे दोगे कि 38% मेल माइग्रेट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, फिर फीमेल माइग्रेशन में भी सेम ये लिखोगे, और मेघालय इज एन एक्सेप्शन लिखना मत भूलिएगा। और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज की मैं बात करूँ तो 3 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज लिख दीजिएगा, इट इज मोर देन सफिशियंट। इनके अलावा आपके पास कोई रेलिवेंट पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाई इज इट नेसेसरी, गिव एनी 4 रीजंस। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ जाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट की, इस क्वेश्चन का ब्रेकअप है आपका 1+4 का, तो 4 रीजंस आपके इस तरह से आएंगे कि आप 4 रीजंस लिख सकते हो, और लास्ट में आप चाहो तो इस तरह से अपना आंसर डिफरेंट बनाने के लिख सकते हो कि लाइक इन द वर्ड्स ऑफ ग्लोबल नोबल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स, व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन फेज 1 एंड फेज 2। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देनी है, और उसके बाद आप समझाएंगे फेज 1 और फेज 2 पॉपुलेशन ग्रोथ को। फेज 1 आपका 1901 से 1921 तक था, जिसमें पॉपुलेशन आपकी स्टेग्नेंट थी, बाकी आप पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। और फेज 2 था आपका एक तरह से स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का, मतलब बिल्कुल धीमी धीमी रफ्तार से आपकी पॉपुलेशन ग्रो हुई। ये था आपका पीरियड 1921 से 1951 का। तो ये आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज माइग्रेशन रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाना है कि कैसे जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो उनका जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण कैसे माइग्रेशन होता है। तो आप बता दोगे कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती, लाइक मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको कोई पॉइंट पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की मैं बात करूँ जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, तो आप कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। सबसे पहले आप पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप स्पेशल वेरिएशन बताओगे कि कुछ रीजन्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और कुछ ज्यादा है, कहीं मॉडरेट है, कहीं बिल्कुल लोएस्ट है, कहीं हाईएस्ट है। तो ये सब चीजें आप समझाओगे, नीचे पॉइंट आप देख सकते हो, स्पेशल वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इन अनइवन इन इंडिया वाली जो हेडिंग है उसके नीचे आपको क्लियर हो जाएगा और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एनी 5 पुश फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आप बताओगे कि पुश फैक्टर्स होते क्या हैं, फिर आप कोई से भी 5 पुश फैक्टर्स, मैंने जो 5 लिखे हैं जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में वही लिख के आ जाएं, आपके पास कोई और अच्छा पुश फैक्टर है तो आप उसको जरूर लिखिएगा, पर एक बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये 5 मार्क का आंसर है तो इनको एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप लिख के आ गए पॉवर्टी एंड हंगर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप 30-40 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सजेस्ट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमें यह पता चलता है कि पॉपुलेशन का एक बहुत क्लोज रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है फिजिकल फैक्टर्स से, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से, जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तभी आपकी जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप बताओगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज वेरी अनइवन बिकॉज ऑफ फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप फिजिकल फैक्टर्स में आओगे तो इनमें से कोई सा भी 3 समझा दीजिएगा।
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की मैं बात करूं तो इनमें से कोई से भी तीन या चार आप समझा दीजिएगा। चौथा पॉइंट भी आप समझा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। क्वेश्चन नंबर 18, लैंड यूज इन अ रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन दैट रीजन। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग थ्री एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से है। इसमें आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि किसी भी रीजन में जो लैंड यूज के चेंजेस आते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके उस रीजन में प्रैक्टिस की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण। मतलब जो भी चेंज लैंड यूज में आ रहा है वो उस रीजन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो चेंजेस हैं उनके कारण होता है। तो आपको सपोर्ट करना है इस एग्जांपल को। एनसीईआरटी में आपको तीन ये दे रखे हैं, साइज ऑफ इकोनॉमी, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड। आपको इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। डिटेल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको तीन ही चेंजेस हैं जो अफेक्ट करते हैं लैंड यूज को किसी भी रीजन में। तो आप इनको डिटेल में लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 40 to 50 वर्ड्स तक लिखिए। साइज ऑफ इकोनॉमी हो गया, कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, अगर आपको इनके पॉइंट्स में डाउट है तो आप मैंने जो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में सिंपली सारे पॉइंट्स बता रखे हैं आप वहां चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन एनी टू लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। सबसे पहले पार्ट में आपको 3+2 का इसका ब्रेकेज है। तो सबसे पहले आपको बताने हैं तीन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके कारण वाटर की कमी होती जा रही है। तो आप तीन लिख सकते हो। उसके बाद आप दो लेजिस्लेटिव मेजर्स लिखोगे और वो लिखोगे आप वाटर एक्ट 1974 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर थोड़ा इनके बारे में बता दीजिएगा कि ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। और लास्ट में कंक्लूड आप इस तरह से कर सकते हो स्टार वाले पॉइंट में जो लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, एनालाइज एनी फाइव मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो पांच पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप इनको 20 to 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपके पास कोई मेजर प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की तो आप वो भी कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द यूज ऑफ मैंगनीज, डिस्क्राइब द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज की मैं बात करूं तो मैंगनीज के यूज आप दो ही हैं आपके एनसीईआरटी में, 3 मार्क में भी पूछा गया था और 5 मार्क में भी पूछा गया है। और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो आप ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इस तरह से आप इसे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स। तो लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था कि आपका आया था एनालाइज एनी फाइव मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उस तरह के क्वेश्चन अब सीबीएसई ने ट्रेंड से हटा चुके हैं। मतलब आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली 5 मेजर प्रॉब्लम समझाइए। अब सीबीएसई आपसे स्पेसिफिकली पूछता है, लाइक इस क्वेश्चन की तरह आपसे पूछेगा कि हाउ द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। तो आप इसको इस तरह से समझा देंगे। अच्छा रहेगा अगर आप स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स के 5 पॉइंट्स लिखें और डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड के 5 पॉइंट्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, क्लासिफाई मिनरल्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। गिव वन एग्जांपल ऑफ मिनरल्स ऑफ ईच ग्रुप एंड मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ थ्री मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको इसमें मिनरल्स को क्लासिफाई करना है दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर आपको उन मिनरल्स के एग्जाम्पल भी देने हैं, चाहे वो आपका मेटेलिक मिनरल का एग्जाम्पल देंगे आप या फिर नॉन मेटेलिक का देंगे। फिर आपको लास्ट पार्ट ये कह रहा है कि आप जो इंडिया के तीन मेजर मिनरल बेल्ट्स हैं उनके आप दो फीचर्स लिखिए। तो मेटालिक मिनरल्स सबसे पहले आप बता दोगे क्लासिफाइड इनटू मेटालिक मिनरल्स, जिसमें से कोई से भी 2 से 3 पॉइंट लीजिएगा। फिर आता है आपका नॉन मेटालिक मिनरल, 3 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। फिर मिनरल बेल्ट की मैं बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन 2 लिख दीजिएगा फीचर्स, साउथ वेस्ट वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन 2 फीचर्स लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो थर्ड बेल्ट है वो है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बेल्ट विच एक्सटेंड्स अलॉन्ग अरावली एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, 3 काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एरेटिक मॉनसून एंड इंडेबटेडनेस आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो ध्यान रखिएगा जितने भी आपके सजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आप खुद से लिख सकते हैं। मतलब आपका खुद से जो आप सजेशन देंगे वो उनमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं भी हो। क्योंकि देखिए सजेशन वाले क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखा होता है कि अगर कोई बच्चा सजेशन बेस्ड क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में अपना आंसर लिखता है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसलिए आप सजेशन में अपने आंसर अपना पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने आपको एक तरह से मॉडल आंसर इसका दे सकता है दे रखा है कि आप इस तरह से लिख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा आप जैसे लिखना चाहो। सजेशन फॉर इंडेबटेडनेस में आप इस तरह से लिख सकते हो कि लाइक रूरल बैंक्स को क्रेडिट लो रेट, क्रेडिट यानी लोन फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करना चाहिए और गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्यों डिफरेंट लोकेशंस को चूज करती हैं। इंडिया और वर्ल्ड में ये डिफरेंस आ जाएगा कि वर्ल्ड में आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को बता दोगे और इंडिया में आप एग्जाम्पल भी दोगे। लाइक मैंने दे रखा है रॉ मटेरियल्स में कि इंडिया में जो आयरन स्टील प्लांट हैं दे आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर माइंस एंड कोल फील्ड्स।
इस तरह से आप फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन में चार फैक्टर्स लिख सकते हो, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, या फिर कोई और फैक्टर भी है, मैंने सर चार ही लिखे हैं, आपके पास कोई और फैक्टर है आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड आर द सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो सजेशंस ये रहे आपके फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स से कि क्या करना चाहिए, ये मेरा मॉडल आंसर है जो मैंने बनाया है, आपके पास कोई और आंसर है जिसमें आप सजेशन, आपके पास कुछ अच्छे सजेशन है तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे ही अगेन सेम बात है सजेशन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड की, आप चाहें तो आप अपने सजेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन एनी फोर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो फोर मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थे वो 1, 2, 3 आप इनको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, एंड दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का रोल इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है तो वो है कि कैरिंग आउट मैसिव इंपोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंपनीज हैं इंडिया की वो जितना चाहें उतना बाहर से इंपोर्ट कर सकती है। लाइक पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट कर सकते हो, बट बाद में 1991 के बाद ये हटा दी गई। सेकंड, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, आप सब जानते हैं कि एफडीआई हमारी कंट्री में अलाउ कर दिया गया। थर्ड, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस टू द एंट्री ऑफ एमएनसीज, जो एमएनसीज आज के दिन हमारी कंट्री में कई सारी एमएनसीज हैं जो हमारी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं और अपना मेजर प्रॉफिट भी कमाती हैं, तो वो 1991 के बाद ही सेटअप हो पाई। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो ध्यान रखिएगा आपको किसी भी क्रॉप का स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, लाइक पार्ट वाइज आपसे पहला पार्ट ये पूछेगा कि फूड ग्रेन की इंपॉर्टेंस बताओ, दूसरा पार्ट आपसे पूछ लेगा कि थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइस कल्टीवेशन या शुगर केन कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इन क्रॉप्स के पॉइंट्स लर्न करने में डाउट है तो आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हो, मैंने वहां पर बहुत सिंप्लीफाइड पॉइंट बना रखे हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो फूड ग्रेन की इंपॉर्टेंस आप तीन पॉइंट्स में लिख दीजिएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक भी 3 से 4 पॉइंट में लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द टू स्टेजेस ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड प्रोजेक्ट। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, उसके बाद आप स्टेज वन में आप लिखेंगे कि कौन कौन से एरिया उसमें आते हैं, कौन कमांड एरिया का साइज क्या है, कि कितना कवर अप करता है, कब इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। स्टेज टू में भी सेम रहेगा, आप लिखोगे कि कौन कौन से एरियाज को कवर करता है, इरिगेशन कब स्टार्ट हुई, और ये पॉइंट आप लिख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा डीप में दिया नहीं है। तो अगर आपके पास कोई और पॉइंट है आप खुद से लिख सकते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। वैसे अच्छा रहेगा कि आप जितने पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन के लिए बताया आप उनको फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लो प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन मेजर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी मतलब जो हमारे क्रॉप इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाती उनकी, वो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की, तो उसके सजेशन दीजिए एंड एक्सप्लेन कीजिए इस प्रॉब्लम को। तो लो प्रोडक्टिविटी को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद आप सजेशन अपने इस तरह से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है, उसमें जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हेडिंग दी है उसके नीचे ही आपका एक तरह से कुछ पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद आपका ये पॉइंट कोट कर दिया गया, लाइन कोट करी कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो अगर आप ये नीचे जितने मैंने सिंप्लीफाई कर रखे हैं पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक से आप इनको लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड डिस्क्राइब द थ्री क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को आप डिफाइन करोगे कि क्या होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फिर आप क्रॉपिंग सीजन्स को एक्सप्लेन कर दोगे, लाइक खरीफ, रबी, ज़ैद, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब फाइव मेन पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड इन हारमोर रीजन। तो ये चैप्टर, ये अगेन आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है, हारमोर के बारे में आप कोई से भी 5 से 6 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ इज इंडियन रेलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पर इंडियन रेलवेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इसके अलावा आपके पास कुछ कोई अच्छा पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो ये 5 मेजर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी भी कहती है, मैंने भी यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो आप और भी इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो एयर ट्रांसपोर्ट की आप इंपॉर्टेंस लिख लोगे कि लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्योंकि एरियाज इतने इनएक्सेसिबल है तो वहां सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट ही चलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इंडिया के जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे कि लाइक कौन सी अथॉरिटी है जो एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, एंड कब हमारी कंट्री में एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ, तो ये सब पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 37, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये अगेन आपको प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है। तो आप बताओगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि कब इनिशिएट किया गया था, ये आपका इनिशिएट किया गया था 5th 5-year plan के दौरान, और ये पॉइंट आप जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ज्यादा कंटेंट नहीं है एनसीईआरटी में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इतना ही दिया है तो आप इस पॉइंट को भी जरूर लिख दीजिएगा। फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और लास्ट में आप बता देंगे कि ऊपर के जितने भी पॉइंट्स दिए हुए उनसे हमें क्लियर पता चलता है कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे दे वर ड्रॉन कीपिंग इन व्यू देयर टोपोग्राफिकल इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, दैट्स इट। और अगर आप चाहो, वैसे मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक लाइन में पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री फॉरेस्ट्री प्लांटेशन एग्रीकल्चर इनको भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑन योर स्क्रीन, व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारी कंट्री में रोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, एग्जांपल्स भी आपको इसके देने हैं। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो जिस तरह से मैंने लिखा है, आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजिंग नेचर ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। तो आपको सिंपली वो पॉइंट्स लिखने हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उनमें चेंज आते जा रहा है। लाइक आप लिख सकते हो कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन इतना बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर 73% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर स्क्रीन्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की आप इंपॉर्टेंस लिख लेंगे 2-3 पॉइंट में, फिर आप वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे इनलैंड वाटरवेज, इनमें से कोई से भी 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशियंट है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए, इनलैंड वाटरवेज आए तो ये पॉइंट आप बिल्कुल मत लीव कीजिएगा, ये पॉइंट आप बिल्कुल लिखिएगा कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी एक अथॉरिटी है इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज को मैनेज करती है। सेकेंड है आपका ओशियनिक रूट्स, इसमें अगेन 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा, मोर देन सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 41, डिस्पाइट द सेटबैक कॉज्ड बाय द पार्टीशन इंडियन पोर्ट्स कंटिन्यूड टू ग्रो आफ्टर इंडिपेंडेंस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पार्टीशन के बाद हमें एक मेजर लॉस फेस करना पड़ा, वो ये था कि जो हमारे पोर्ट्स थे वो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को चले गए, फिर भी इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद जो पोर्ट्स थे उन्होंने ग्रो करना कंटिन्यू रखा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दो पोर्ट्स चले भी गए थे फिर भी हमारी कंट्री का जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल खराब हो गया, उसके बाद भी हम ग्रो किया। तो इसको आप इन पॉइंट्स से एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने नीचे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी कब सेटअप हुई, इसका काम क्या है, एंड इट हैज आइडेंटिफाइड जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। और जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स है मैंने एनसीईआरटी से नहीं लिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि वो सर्वे करती है नए प्रोजेक्टों की, कहाँ कहाँ पर इंडियन वाटरवेज बन सकते हैं, और फिर आप देख सकते हो कि इसको फंड करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जितना भी इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी काम करती है उसका जो पूरा फंड होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग प्रोवाइड करती है, और इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, गिव एनी 5 फीचर्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। तो इसमें आपको बताने की जो हमारे इंपोर्ट जो हम बाहर कंट्रीज से अपनी कंट्री में लाते हैं चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं समय के साथ। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे कि 1950 से 60 तक हमने फूड शॉर्टेज फेस करी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो हम फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे, राइस वीट हम यूएसए से लेते थे, तो ये सब चीजें हैं। और आप लास्ट में देख सकते हो कि आज की डेट में हमारे मेजर इंपोर्ट्स हैं गोल्ड, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इसके साथ साथ आपका पेट्रोलियम। क्वेश्चन 44, विच इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी है जो एक तरह से मैनेज करती है हाईवेज को, फिर आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे हाईवेज के, तो 4 पॉइंट में लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि देखिए जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, बट जो आपके 20% है उनकी मेहनत आपको खुद से करनी है, क्योंकि कई बार सीबीएसई उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स पर अपना फोकस रखता है जो उसने आज तक ना पूछे हो। लाइक अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जो आपके एक तरह से प्रोजेक्ट हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो पूछे नहीं गए, पर हो सकता है पूछ लिए जाएं। तो इसलिए और खासकर जो बॉक्सेस में आपको एनसीईआरटी दी और एनसीईआरटी के बॉक्सेस में आपको प्रोग्राम्स स्कीम्स ये सब चीज़ें दी हुई हैं उनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस आप लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 45, डिफाइन द टर्म रोड डेंसिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स टू मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ रोड डेंसिटी इन इंडिया।
तो रोड डेंसिटी आप एक्सप्लेन कर दोगे कि लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, और ध्यान रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर जो है ये यूनिट होती है आपकी एरिया की, डिस्टेंस की नहीं होती है। लाइक लेंथ ऑफ रोड्स की हम बात करें तो किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, और जो आपकी स्क्वायर किलोमीटर है वो एरिया है। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब कितने एरिया में आपकी जो रोड्स हैं उसका मतलब डेंसिटी होता है। फिर आप दो मेन डिटरमिनेंट्स की बात करोगे तो नेचर ऑफ टेरेन, नेचर ऑफ टेरेन में आप लिख सकते हो कि रोड्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट ऑन प्लेन्स वाइल इट्स डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देम ऑन हिली एरियाज, इस तरह से आप पूरा आंसर बना लीजिएगा। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हिमालयन स्टेट में रोड डेंसिटी कम है क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल होता है। टेरेन का मतलब होता है सिंपली टाइप ऑफ लैंड, तो किस तरह का जो नेचर है लैंड का वो भी अफेक्ट करता है रोड डेंसिटी को। फिर सेकंड पॉइंट आप ले सकते हो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आप समझाओगे 50-60 वर्ड्स में आप दोनों डेटमेंट्स को समझाएंगे कि लाइक जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है वहाँ रोड डेंसिटी काफी ज्यादा है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज को रोड्स ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो ये सब इस तरह से आप अपना आंसर क्लोज कर दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्लेन द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये आप चाहो तो 2014 को इंक्लूड कर लीजिएगा अच्छा रहेगा, पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि आप ये लिखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ हेल्थ, ये सब चीज़ आप जरूर लिखें, और हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी थोड़ा अच्छा लगता है लिख लीजिएगा, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस म्युनिसिपल वेस्ट और वेस्ट, और ध्यान रखिएगा जितने ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं इनमें आपकी चॉइस हैं, चॉइस है आप लिखें ना लिखें, इनमें से इंट्रोडक्शन के लिए आप 2 पॉइंट ही लिख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, बट जो स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो आप सारे मेंशन कीजिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स आपके ये रहे, लास्ट स्लाइड में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, और उसके साथ साथ कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि ऑन 2 अक्टूबर 2019 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें इंडिया को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, वो एक तरह से 2 अक्टूबर 2019 को अचीव कर लिया गया है, ये आप लास्ट में लिख सकते हो, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47, एग्जामिन द मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट सिटीज विद कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है आपका स्मार्ट सिटीज मिशन, लिख सकते हो आप इंट्रोडक्शन में कि इट वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी इन 2015, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और फीचर क्या है ये सब जरूर लिखेगा, फोकस लिखेगा, ये आपका जनरल आंसर है, मतलब आप जनरली इसको लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए, और अगर आपको अपना आंसर बहुत एक तरह से अच्छा बनाना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा, उनमें से कोई से भी 2-3 पॉइंट या फिर 1-2 पॉइंट आप अपने क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, यानी आंसर में लिख लीजिएगा, आपको एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इस स्लाइड में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा लिखे, पर वो बच्चे जो एक तरह से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं केवल उनके लिए है ये कि आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है ये, मैंने पर्सनल नोट से आपको पॉइंट्स दिए हैं कि लाइक आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन द जल क्रांति अभियान। तो जल क्रांति अभियान में इस स्लाइड में इंट्रोडक्शन है, कोई से भी 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर आते हैं इसके प्रपोजल्स पे, प्रपोजल्स की मैं बात करूं तो 4 इनको जरूर मेंशन कीजिएगा, एंड स्टार में एक पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि जल क्रांति अभियान, इसको जरूर लिखिएगा कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 49, हाईलाइट द इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2002। तो आप ये सभी जानते हैं कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में जो लॉन्च हुई थी उसमें वाटर को एलोकेट करने की प्रायोरिटीज बता दी थी कि सबसे पहले वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, फिर इरीगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, फिर इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस में, और उसके फीचर्स आप देख लीजिए, कोई से भी 4-5 लिख लीजिएगा, मैं कहूंगा कि आप वो सारे लिखिएगा क्योंकि अच्छा रहेगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन 50, डिस्क्राइब द भारतमाला स्कीम। तो भारतमाला स्कीम, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में पूछा गया है एंड 5 मार्क में आने के भी चांसेस हैं, 5 मार्क में आए तो सेम उतने ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वर्ड लिमिट ना भी हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में ही इतना दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे लिखेंगे एंड ऑल, आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो कंक्लूजन में कि रोड्स आर लाइफलाइन फॉर अ कंट्री एंड लाइफलाइन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर टू इंप्रूव मोबिलिटी एंड बूस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 51, इवेल्युएट द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ये पूछा जा चुका है 2019 में, जो आपका सीबीएसई का ज्योग्राफी का पेपर था उसमें एक सेट में पूछा गया था कि इवेल्युएट द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, कोई से भी 5 ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो इंडिया का वर्ल्ड में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, आपको इसको एग्जामिन करना है।
इस तरह से आप लिख सकते हो और इन पॉइंट्स को मेंशन जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी ये पॉइंट्स हैं आप इनको, इनमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स लिखिएगा, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर एंड नॉर्थ टू साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आप इसमें बताओगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है, किस अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, लाइक ये NHAI का प्रोजेक्ट है। तो आप इनको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा हर एक पॉइंट को। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण जितने भी विलेजेस हैं दे आर कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स मतलब दे आर कनेक्टेड विद मेन सिटीज। क्वेश्चन 53, द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो आपको इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक तरह से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह वो सस्टेन्ड और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कोई से 5 पॉइंट लिख लीजिएगा और उनका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन जरूर दे दीजिएगा 20-30 वर्ड्स में। क्वेश्चन 54, इस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल्स के साथ ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है लाइक हार्वेस्टर्स, थ्रेशर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी मैं बात करूँ, तो किस तरह से इन सब चीज़ों ने इंडिया के एग्रीकल्चरल आउटपुट में जितना हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे तो उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज लाया है। तो ये 5 पॉइंट्स को आप ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज एन एपेक्स बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बीआरओ के बारे में बात करनी है, बीआरओ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या काम है बीआरओ का, लाइक इट प्रमोट हार्मोनियस रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक तिब्बत एंड भूटान, ऑल्सो टेक्स नो क्लियरेंस इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। और ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिखिएगा कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। क्वेश्चन नंबर 56, मेंशन द स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रेलवेज। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इंडियन रेलवेज ने क्या स्टेप्स लिए हैं अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ दे सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये भी आपका मेट्रो रेलवेज वाला, ये भी आपका मार्किंग स्कीम से ही मैंने लिया है। पर ध्यान रखिए, ये बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि मेट्रो रेलवेज, आपकी जो मेट्रो रेल्स होती हैं वो आपका इंडियन रेलवेज के अंडर नहीं आती, वो उनका एक अलग बॉडी होती है, लाइक दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का आपका पूरा मैनेज करता है DMRC, जिसकी फुल फॉर्म होती है दिल्ली मेट्रो एंड रेल कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखिएगा, मेट्रो रेलवेज इंडियन रेलवेज का पार्ट नहीं है, बट हाँ आप लिख सकते हो कि रेलवेज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कंपेयर मुंबई एंड कोलकाता सीपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, हिंटरलैंड एंड सिग्निफिकेंस इन वर्ल्ड ट्रेड। तो देखिए, मेरे पॉइंट्स क्यों हेल्पफुल होते हैं, आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियर कर देगा। लाइक मैं हर चीज़ आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ, लोकेशन कहाँ पर है उसकी, हिंटरलैंड का पॉइंट मैंने दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में। सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सिग्निफिकेंट है, सारे पॉइंट्स उन बोर्ड्स के देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका ब्रेकअप है 1+1+3, यानी आपको लोकेशन 1 मार्क में बतानी है, हिंटरलैंड कौन कौन से स्टेट है 1 मार्क में, एंड सिग्निफिकेंस 3 मार्क में। आपको कंपेयर करने मुंबई पोर्ट एंड कोलकाता सी पोर्ट। ध्यान रखिएगा, जितने भी सी पोर्ट्स हैं उन सबके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपकी टर्न में विशाखापट्टनम सी पोर्ट और कोई कांडला सी पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। मुंबई पोर्ट लोकेशन आप लिख लेंगे, हिंटरलैंड आप लिख लेंगे, सिग्निफिकेंस आप लिख लेंगे। सेकेंड आपको कंपेयर करने के लिए दिया था विद कोलकाता पोर्ट, तो कोलकाता पोर्ट की लोकेशन, हिंटरलैंड, सिग्निफिकेंस, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इंडिया हैज अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स एंड दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड द लैंड यूज चेंजेस इन द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको इंडिया में जो लैंड यूज चेंजेस आए हैं उन सबको बताना है कि लाइक जो एरिया अंडर आपका नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस था वो इंक्रीज हो चुका है, एंड जो बैरन वेस्टलैंड कल्चरल वेस्टलैंड थी वो आपकी डिक्रीज हो चुकी हैं। इस तरह से इन पॉइंट्स की थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सप्लेन एनी 5 फेवरेबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में पूछा जा सकता है, 5 मार्क में पूछा जा सकता है, कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन आपसे पूछा जा सकता है। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज में मिल जाएंगे, वो पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर फैक्टर रहा, इनमें से कोई भी आप 5 बता सकते हो पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 60, डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर शुगर केन। तो शुगर केन क्रॉप, लाइक मैंने पूछा किसी स्पेसिफिक क्रॉप के बारे में पूछा जा सकता है, तो शुगर केन के बारे में पूछा जा चुका है। ज्योग्राफिकल फैक्टर आप बता दोगे शुगर केन का कि इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज एंड लार्जली एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया। फिर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, महाराष्ट्र एंड गुजरात भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, सदर्न इंडिया में कर्नाटका स्टेट में की जाती है, और शुगर केन यील्ड इज लो इन नॉर्दर्न इंडिया। ये नॉर्दर्न इंडिया के वो स्टेट्स हैं लाइक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब स्टेट्स। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 61, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन एसेंशियल इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन विद एग्जांपल्स। तो क्यों इंडिया में वाटर कंजर्वेशन
एसेंशियल है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, और उसके बाद मेथड्स आपके 3 मार्क का है, 2+3 का इसका ब्रेकअप है। तो 2 मार्क में आप ये बताओगे कि वाटर कंजर्वेशन क्यों एसेंशियल है, 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, और मेथड्स में 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई से भी 3 मेथड्स आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ डू ह्यूमन बींग्स पल्यूट वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स पल्यूट वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आपका ब्रेकअप है 2.5+2.5 का। ये है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से किस तरह ह्यूमन बींग्स वाटर को पल्यूट करते हैं, तो इनमें भी 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 63, डिस्क्राइब द प्रायोरिटीज विच हैव बीन आउटलाइंड बाय यूएनडीपी एज पार्ट ऑफ इट्स अर्बन स्ट्रेटेजी। तो अगेन बुक वन से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जितने बॉक्सेस में आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हेल्दी सिटी क्या होती है हो या फिर अर्बन स्ट्रेटेजी क्या होती हो। अर्बन स्ट्रेटेजी भी क्वेश्चन बन भी चुका है, जिसमें आपको अर्बन स्ट्रेटेजी के सिंपली ये पॉइंट्स लिख देने, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 64, व्हाई इज द क्वालिटी ऑफ वाटर डिटीरियोरेटिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो वाटर क्वालिटी क्यों खराब हो रही है आपको ये बताना है इंडिया में। तो नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, कोई से भी 5 से 6 पॉइंट में इसको सब्सटेंशिएट कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 65, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्सेज इन इंडिया, डू यू थिंक इट इज अ वायबल या फिर आप इसे यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इन फ्यूचर, कीपिंग इन व्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मिनरल्स इन इंडिया। तो आपको बताने कि जितने भी हमारी कंट्री में न्यूक्लियर मिनरल्स अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी पर फ्यूचर में डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आप इसमें यह बता सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे पहली चीज आप इसमें एडिशनली लिख सकते हो कि लाइक फ्यूजन एंड फिजन, ये 2 चीजों को मेंशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 10th की साइंस में पढ़ा होगा, हालांकि याद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या होता है कि जब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए जब एटम्स को ज्वाइन किया जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उसे, पर जब एटम्स को स्प्लिट करके एनर्जी को बनाया जाता है उसे हम फिजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वायबल सोर्स, क्योंकि हम काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं विद लेस क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट मिनरल्स यूज इन द जनरेशन आर थोरियम एंड यूरेनियम, और आप इनके डिपॉजिट्स को लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी कब स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। फिर आप न्यू रिएक्टर्स को भी मेंशन कर सकते हो, लाइक तारापुर इन महाराष्ट्र, रावत भाटा इन कोटा, उसके साथ आप और भी लिख सकते हो जितने हैं आपके एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज से जो हम कोलेबोरेशन करते जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। क्वेश्चन 66, विच आर द मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। तो अगेन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का क्वेश्चन है, तो आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 67, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने कल की कम्युनिटी पोस्ट देखी थी वो समझ गए, उनके दिमाग में कुछ चीज आ गई होगी, वो ये कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था कि आई फाउंड माई ओल्ड आंसर शीट, तो मैंने आपके साथ उसको शेयर किया था। तो उसमें मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेरा एक क्लास टेस्ट का क्वेश्चन था जो टीचर ने मुझे दिया था, एंड आई आंसर्ड इट। तो मैंने आपको शेयर किया था कि किस तरह से मैंने आंसर किया था, तो आप उसे एक बार देख सकते हो कि यू कैन हैव अ ग्लांस ओवर इट कि किस तरह से मैंने लिखा था, और जनरल आंसर उसका यही रहेगा। देखिए अगर आपको एनसीईआरटी का थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब आपको डिफिकल्टी आ रही है पढ़ने में, तो आप ज़्यादा उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनाइएगा, सिंपल आप इतना ही आंसर लिखिएगा। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर यूनिक लगे डिफरेंट लगे, तो आप कम्युनिटी पोस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने कल उसे पोस्ट किया था। क्वेश्चन 68, डेवलपमेंट इज अ सब्सटेंटेटिव कंसेप्ट एंड वंस अचीव्ड विल एड्रेस ऑल द सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इल्स ऑफ द सोसाइटी एनालाइज। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट से ही है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको वही चीज बतानी है, लाइक इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट वाला, तो वही चीज है सेम पैराग्राफ की कि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ बेसिक कंसेप्ट एंड इट वॉज थॉट दैट एक बार इसे अचीव कर लिया गया तो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इशूज हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ हैं, वो सब एड्रेस कर ली जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो सब आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। एंड ये था आपका पूरा आंसर, आई होप आपको क्लियर हुआ। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट डाउन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।